गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत विषय गणित नया अध्याय शुरू करेंगे। सांख्यिकी अध्याय 14। देखिए, इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और इजी चैप्टर है। अगर आप ढंग से समझे तो आराम से आप इसमें से एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है। तो आपने बार-बार तो अगर आपने पिछले कक्षाओं में देखा है तो सांख्यिकी होता सांख्यिकी होती क्या है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स ये क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में, जिससे आपको आगे थोड़ा आराम से समझ में आ जाए। तो देखिए, सांख्यिकी को हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में अर्थपूर्ण सूचना, वह सूचना जिससे कोई अर्थ निकले। अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। कहने का मतलब यह कि अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की शाखा में जो होता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रह उनको एकत्रित करना, फिर उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण कर अध्ययन करना, उसके साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। मान लीजिए, सबसे पहला हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं कि जैसे एक कक्षा में या एक सप्ताह में कितने विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है, फिर उनको व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करते हैं उनका। अब प्रस्तुतिकरण करते हैं हम चाहे ग्राफ से करें या सारणी से करें, तालिका बनाकर करें, और फिर उसके बाद में उसका विश्लेषण करना, साथ ही आंकड़ों से अर्थपूर्ण विश्लेषण निकालना कि कौन सा विद्यार्थी अधिक दिन उपस्थित रहा या कौन सा विद्यार्थी अनुपस्थित रहा। इस प्रकार उस तालिका से सरलीकरण करने से उसे देखते ही हमें निष्कर्ष मालूम हो जाएगा, तो यह कहलाता है सांख्यिकी। तो देखिए, अब आंकड़े की बात करते हैं। आंकड़े डेटा निश्चित उद्देश्य हेतु एकत्रित किए गए तथ्य या अंकों के संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। डेटा क्या होता है? निश्चित उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य लेकर एकत्रित किए गए तथ्य या अंकों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, तब वह कहलाते हैं आंकड़े। अब देखिए, डेटा आंकड़े दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, या मैं कह सकता हूँ प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, या फिर प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होता है? जब अन्वेक्षक खुद स्वयं द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, स्वयं द्वारा आंकड़े एकत्रित किया जाता है। जैसे जब अन्वेक्षक स्वयं अपने दिमाग से निश्चित उद्देश्य रखकर सूचना को एकत्रित करता है, ठीक है, निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाएं एकत्रित करता है। जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे आसपास में कितने पेड़ पौधे हैं, तो एक मेरे दिमाग में निश्चित उद्देश्य है कि पेड़ पौधे कितने, तो मैं उन आंकड़ों को संग्रह सूचना एकत्रित करूंगा कि कितने पेड़ इसके हैं, कितने पेड़ नीम के हैं, कितने पेड़ आम के हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों में अन्वेक्षक खुद आंकड़े एकत्रित करता है। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। फिर आती है बात गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, या कह सकते हैं सेकेंडरी डेटा, जहाँ किसी स्रोत से जिसमें सूचना पहले से मौजूद है, जहाँ सूचनाएं पहले से मौजूद है, यानी सूचनाएं एकत्रित होती है और आंकड़े प्राप्त किए हुए हैं, तो वे आंकड़े गौण आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि सूचनाएं पहले से प्राप्त होती है, उनको द्वितीय रूप में हम काम में ले रहे हैं, तो वे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब देखिए प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संग्रहण हमने कर लिया, आंकड़े एकत्रित कर लिए, फिर उनका प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण में उसे जमाया जाता है ढंग से, यानी कि उसको किस प्रकार प्रस्तुत करें कि देखते ही हमें यह मालूम पड़ जाए कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये कहूं कि एक चित्र हजार शब्दों से कहीं बेहतर है, एक चित्र हजार शब्दों से कहीं बेहतर है, कहने का मतलब यह है कि अगर उसका प्रस्तुतिकरण सही हुआ, चाहे चित्र द्वारा हुआ है, चाहे ग्राफ द्वारा हुआ है, चाहे तालिका द्वारा है, तो उसे देखते ही एक निष्कर्ष निकल जाए, वो कहलाएगा प्रस्तुतिकरण, सही ढंग से प्रस्तुतिकरण। कहने का मतलब ये है कि आप क्रिकेट मैच देखते हो, अब उसमें आपने टीवी पर ये देखा होगा इस प्रकार ये ग्राफ बना होता है,
यानी कि एक पाँच रन बनाया सचिन ने, तो यहाँ देख के मालूम पड़ जाएगा कि सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाया है तालिका देखते ये या ये कोई भी नाम ले लीजिए खिलाड़ी का सौरभ गांगुली, तो यहाँ देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि सौरभ गांगुली ने कम रन बनाया। तो शब्दों से ज्यादा चित्र यहाँ मायने रख रहा है, इनका प्रस्तुतिकरण हुआ इस प्रकार ग्राफ के द्वारा, तो ये कहलाता है प्रस्तुतिकरण। तो जिसमें सरलता से समझने हैं तो ग्राफ या सारणी के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है। सारणों का एकत्रित हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर विश्लेषण किया जाता है कि किस कारण या उससे निष्कर्ष निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं आवेदक्रम और अवरोही क्रम। देखिए आंकड़े होते हैं हमारे पास, उन्हें आवेदक क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना। अब आवेदक क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे आवेदक क्रम यानी बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। जैसे आरोही क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घटता क्रम 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब हम देखते हैं कि ऊपर चढ़ गए इस प्रकार, तो ये क्या हो गया ऊपर चढ़ना या पर्वत पर चढ़ते, तो क्या कहते हैं पर्वतारोही, पर्वतारोही कहते हैं, यानी पर्वत आरोही पर्वत की ओर ऊपर चढ़ना, ठीक है। अवरोही उसका उल्टा हो जाता है, यानी घटता क्रम 10 9 8 7 4 5 3 2 1 बारंबार। देखिए बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के अंतर एक जो तालिका बनती है, तो जितनी बार अगर प्रश्न आगम आती है, जितनी बार प्रश्न आगम आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है, जितनी बार प्रश्न आगम आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है, जिसे हम कह सकते हैं मिलांचन। मिलांचन कह सकते हैं, जैसे 1 2 5 4 5 7 5, अब देखिए 5 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया 3 बार, तो 5 की बारंबारता क्या हुई 3। तो ये कहलाए कि 5 3 बार आ रहा है, तो जितनी बार वह प्रविष्टि आगम आती है, तो 5 प्रविष्टि आगम कितनी बार है 3 बार, तो ये क्या कहलाएगी बारंबारता। अब देखिए वर्गीकृत बारंबारता ए वर्गीकृत बारंबारता सारणी, ए वर्गीकृत बारंबारता में हम कह सकते हैं कि एक कक्षा में 30 बच्चों ने गणित में इतना प्राप्त किए, 30 बच्चों ने, अब 30 बच्चों के एक साथ आपको दे देते हैं, जैसे अब ये अगर ये कहें कि 10 अंक लाने वाले 4 बच्चे हैं बच्चों की संख्या, 20 अंक लाने वाले 3, 30 अंक लाने वाले 2, 50 अंक लाने वाले 3, 40 अंक लाने वाले 4, 60 अंक लाने वाले 1, तो ये कहलाएगी ए वर्गीकृत बारंबारता, इसमें वर्गीकरण नहीं हुआ। दूसरी आती है वर्गीकृत बारंबारता बढ़ता, वर्गीकृत में एक ग्रुप बना होता है समूह, 10 से 20 नंबर तक लाने वाला 3 बच्चे, यानी 10 से 20 जिसमें 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है 13 14, तो 10 से 20 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो ये कहलाएगी वर्गीकृत बारंबारता बढ़ता सारणी। इस प्रकार ये इस पाठ से कुछ सारांश है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे आगे आने वाले सवाल हम आसानी से हल कर सकें।